हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की। इसके जो है मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं अभी तक तो इनको देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इनमें डिस्कस किए हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जीपट, नाइपट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर सेंटर के जैसे ESIC का एग्जाम है, ठीक है, तो ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके, इंट्राथीकल, सबक्यूटेनियस, इंट्राविनस, रेक्टल सपोजिट्री। तो इनमें से जो है पेरेंटल रूट कौन सा नहीं है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रेक्टल सपोजिट्री जो होता है ये पेरेंटल रूट में नहीं आता। ठीक है, बाकी के आपके जो इंट्राथीकल होता है ये भी पेरेंटल में आता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राविनस, सभी पेरेंटल रूट्स में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ओके, देखिए इंट्रावीनस जो होता है जिसमें क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं कहाँ पर, इनटू अ वेन में, तो ये इंट्रावीनस होता है। इंट्रामस्कुलर में, मसल्स में एडमिनिस्टर करते हैं। और जो इंट्राथीकल इसमें दिया होता है, इंट्राथीकल होता है इंट्रा स्पेस अराउंड द स्पाइनल कोड। ठीक है, ये जिसमें ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं कहाँ पर, इंट्रा स्पेस अराउंड स्पाइनल कोड, ये होता है इंट्राथीकल। और सबक्यूटेनियस में होता है बीनीथ द स्किन। ओके, जैसे सबक्यूटेनियस के एग्जाम्पल में इंसुलिन हम लोग पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज, आपको ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ऑप्शंस में देख लीजिए आप, ओलिक एसिड दिया हुआ है, लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टियरिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा इसका, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, ओलिक एसिड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपका ओलिक एसिड हो गया, और एक क्या आता है, लिनोलिक एसिड आता है। ठीक है, लिनोलिक एसिड होता है, एक लिनोलिनिक एसिड होता है, और एक क्या होता है, अरेकिडोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखो, सारे क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल हैं। और कई बार इनमें डबल बॉन्ड भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक एसिड में दो डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिनिक एसिड में तीन डबल बॉन्ड होते हैं, अरेकिडोनिक एसिड में चार डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फैटी एसिड इन विच देर इज़ वन और मोर डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन। तो ये तुम्हें पता ही है, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्राइड्स फॉर्मूला इज, देखिए चाइल्ड डोज कैलकुलेशन जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इसका प्रॉपर मैंने अच्छे से वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और इसमें देखिए फ्राइड्स फॉर्मूला आपसे पूछा, ऑप्शन देखिए, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, नेक्स्ट ऑप्शन में एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 115 अडल्ट डोज, या नन ऑफ द अबव। देखिए फ्राइड्स फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्राइड्स फॉर्मूला का, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। और बाकी जो इसमें दिया हुआ है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, ये आपका डीलिंग्स फॉर्मूला होता है। ओके, और जो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12, ये जो है ये यंग्स फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी वायरल एजेंट। तो इनमें से कौन सा है जो एंटी वायरल एजेंट है, एंटी वायरल ड्रग कौन सा है, देखिए नेलफिनाविर, लिनकोमाइसिन, निमोराजोल या आइसोनियाजिड। तो एंटी वायरल ड्रग का एग्जांपल आपको मिला है इसमें, नेलफिनाविर जो है ये एंटी वायरल ड्रग है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नेलफिनाविर। देखिए जो आप एंटी वायरल ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपके जो प्रोटीज इनिबिटर्स आते हैं, प्रोटीज इनिबिटर्स में आपका नेलफिनाविर आता है, प्रोटीज इनिबिटर में आपकी
एम्प्रीनावीर होती है, रिटोनावीर होती है, सेक्विनावीर होती है, इंडिनावीर होती है, लोपिनावीर होती है, और एक नेलफिनावीर होती है। ये सब आपके प्रोटीएज इनहिबिटर्स में आते हैं, जिसमें आपका ये नेलफिनावीर भी आता है। ओके, तो आपका ये हो गया एंटीवायरल ड्रग्स में आपका नेलफिनावीर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रोटीज इनहिबिटर्स के नाम लिखे हुए हैं, देख लीजिए, ये रिटोनाविर, इंडिनाविर, नेलफिनाविर, साक्विनाविर, एम्पिरिनाविर और लोपिनाविर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो नियोस्टिग्मिन किसके लिए यूज़ करेंगे? देखिए, नियोस्टिग्मिन जो है आपका किसमें आता है, जब आप लोग क्या पढ़ते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस पढ़ते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं उनमें आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं, उसमें आपका नियोस्टिग्मिन आता है ना, तो ये आपका होता है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो किसको किस में यूज़ करेंगे? ऑप्शन देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मायसिनिया ग्रेविस स्ट्रोक या मायोकार्डल इन्फारक्शन। ओके, तो इसको यूज़ करेंगे किसके लिए? मायसिनिया ग्रेविस के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, मायसिनिया ग्रेविस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैल्सिट्रायोल इज, कैल्सिट्रायोल वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये जीपैट देख लीजिए, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देख लीजिए, उठा के फार्मासिस्ट का देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है। कैल्सिट्रायोल होता है, एक्टिव फॉर्म होती है किसकी? विटामिन D3 की। ओके, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 इज कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी D3, ठीक है, 125 डाईहाइड्रोक्सी D3, मतलब D3 को क्या बोलते हैं? कोलेकैल्सिफेरोल। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विटामिन D3 इज कोलेकैल्सिफेरोल होता है। ओके, तो इसको ऐसे भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल इज, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये है कैल्सिट्रायोल, जो क्या होती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। अभी ऑप्शन देख लीजिए आप, आपका आंसर कहाँ है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 जो आपको ऑप्शन सी में मिला है ना, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन देखिए, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया। तो कीटामिन जो है क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है कीटामिन। ओके, जनरल एनेस्थेटिक जो है उसके, जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिटिन एंड एल्कलॉइड ऑफ ipecacuanha एक्ट एज, देखिए एमिटिन और सिफेलिन होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ipecac में प्रेजेंट होते हैं। ipecac जो होता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका ipecac आता है। ओके, ipecac का सोर्स होता है सिफेलिस, ipecacuanha सोर्स होता है, रूबिएसी इसकी फैमिली होती है, रूबिएसी ध्यान रखना है, और इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है। जो एमिटिन होता है ये क्या होता है, इसका ऑप्शन देखिए, एंटी मलेरियल, एमीबिसाइड, एंटीसेप्टिक, एंटीस्पास्मोडिक। तो ये जो होता है ये एंटी अमीबिक होता है, अमीबी साइड, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, एंटी अमीबिक होता है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस हमने बताना है। देखिए, मोशन सिकनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है, कौन सी होती है? हायोसिन को स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कोपोलामिन जो होता है मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, आपका ऑप्शन ए स्कोपोलामिन हो जाएगा। बाकी एट्रोपिन दिया है, मीटोक्लोप्रामाइड है, डोमपेरिडोन है। देखिए, ये मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन प्रोकाइनेटिक ड्रग में आते हैं, जब आप एंटीएमिटिक ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, उसमें प्रोकाइनेटिक ड्रग में आपके मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम बताइए। ऑप्शंस में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ओके,
क्वेश्चन नेक्स्ट है 1000 नैनोग्राम इक्वल, 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल होता है? ऑप्शन देखिए 1 सेंटीग्राम, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। 1000 नैनोग्राम, नैनोग्राम मतलब 10^9 -9 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसको करेंगे आप लोग 10^-6 मतलब कि ये माइक्रोग्राम हो जाएगा। आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 माइक्रोग्राम। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोइल परोक्साइड इज, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, कैरेटोलिटिक, इमोलियंट, एस्ट्रिंजेंट, प्रिजर्वेटिव। तो ये होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कैरेटोलिटिक होता है बेंजोइल परोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका, विनका में कौन से टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस में आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स, इंडोल या क्विनोलिन एल्कलॉइड्स। तो विनका जो होता है इसमें होते हैं इंडोल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंडोल एल्कलॉइड्स में, इंडोल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? विनका में। देखिए इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका एर्गट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, नक्सवोमिका आता है, विनका आता है। ओके, विनका का सोर्स कथरंथस रोजियस होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है और पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। ओके, और विनका के अंदर विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इनको यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका हो गया इसका आंसर ऑप्शन सी, इसके अंदर इंडोल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं विनका के अंदर। नेक्स्ट है निफेडिपिन कंटेन डैश एज अ बेसिक न्यूक्लियस, निफेडिपिन जो होता है किसमें आता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपका निफेडिपिन आता है। इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस है? पायरोल, पिरिमिडीन, पायरिडीन या पायराजीन। तो इसके अंदर जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरिडीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है निफेडिपिन के अंदर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए लिखा हुआ है, देखिए विरापामिल भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है, निफेडिपिन डिल्टियाजेम। विरापामिल के अंदर जो होता है ये फिनाइलकाइनामीन डेरिवेटिव होता है विरापामिल, निफेडिपिन जो होता है डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव होता है, डिल्टियाजेम जो होता है बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव होता है। ओके, तो इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। जैसे अभी इसमें पूछा हुआ निफेडिपिन में कौन सा न्यूक्लियस है? पायरिडीन न्यूक्लियस। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है ट्रैनिक्जैमिक एसिड एक्ट एज, ऑप्शंस है हिमैटिनिक, एंटीकोएगुलेंट, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। देखिए ट्रैनिक्जैमिक एसिड जो होता है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर। ट्रैनिक्जैमिक एसिड जो होता है एंटी फिब्रिनोलिटिक में, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं उसमें आपका एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है, एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है ट्रैनिक्जैमिक एसिड, और एक एप्रोटिनिन हमने ये ड्रग्स पढ़ी थी। तो ये होता है एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है, तो ये क्या करता है प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर। नेक्स्ट, अंडर BCS क्लास 1 ड्रग आर हैविंग, जो BCS बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें क्लास 1 ड्रग के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शंस हम देख लीजिए, देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 4 टाइप्स इसमें आप लोग पढ़ते हैं। तो क्लास 1 में क्या होता है, हाई सोल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी होती है, ध्यान रखना आपने। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए इसमें ए राइट हो जाएगा, हाई सोल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी, दोनों सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है क्लास 1 ड्रग्स में। ओके, तो आपका आंसर हो गया इसका जो है ऑप्शन जो है ए राइट हो गया, हाई सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ओके, बाकी के इसमें बायोफार्मास्यूटिकल के क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए। इसमें देखिए जो क्लास फर्स्ट है इसमें हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी हो गया, इसके एग्जांपल में प्रोपेनोलोल और मेटोप्रोलोल आता है। सेकंड क्लास में क्या होता है, सोल्युबिलिटी कम होती है, लो सोल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, एग्जांपल में कीटोप्रोफन और कार्बामाजिपिन। थर्ड क्लास जो होती है क्लास 3 उसमें हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, एग्जांपल में रेंटिडिन एटिनोलोल। और फोर्थ क्लास 4 जो है उसमें दोनों कम होंगे, सोल्युबिलिटी भी लो होती है परमेबिलिटी भी लो होती है, एग्जाम्पल देख लीजिए हाइड्रोक्लोरथायजाइड एंड फ्यूरोसिमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोचिले सॉल्ट इज केमिकली, ऑप्शंस है सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम पोटाशियम टार्टेट, सोडियम थायोसल्फेट। रोचिले सॉल्ट जो होता है ये होता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। नेक्स्ट है चाइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड,
ऑप्शन देख लीजिए, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लीवर, इन स्टमक या इन किडनी। तो चाइलोमाइक्रोन्स कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? इंटेस्टाइन में। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट है बैंक्रॉफ्ट रूल इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है इमल्शन, टैबलेट, कैप्सूल्स या नन। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, बैंक्रॉफ्ट रूल किस रिलेटेड है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इमल्शन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इमल्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट सिक्रेट। ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन या पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।